दोस्तों आज बात करने वाले हैं 25x35 हाउस प्लान की। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। ये टू साइड ओपन है और टू साइड क्लोज्ड है, और हमारे सब्सक्राइबर थे उनके कहने पर इस मॉडल को डिजाइन किया है, जहाँ पर आपको कार पार्किंग देखने को मिलती है और एक बालकनी देखने को मिलती है। तो इसी पूरे मॉडल को आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि 25x35 में मैंने क्रिएट किया है। यहाँ पर आपको बेडरूम और लेट बाथ किचन वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा, साथ साथ ये पोर्च एरिया भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर कार पार्किंग वगैरह आप कर सकते हैं। तो उसे पूरा मॉडल मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इसका इस्टीमेट कॉस्ट भी मैं आपको फाइंड आउट करना बताऊँगा कि कैसे आप इसका इस्टीमेट कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, कितने रुपये में ये घर आपका बनकर रेडी हो जाएगा। उससे पहले, अगर आपने अभी तक इस हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे आने वाले सभी वीडियो आप देख सकें। तो दोस्तों, जो ये मॉडल है 25x35 फीट में, इसका अगर हम ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है, जहाँ पर ये देखिएगा, आप यहाँ पर स्लोप बनाइएगा और यहाँ से आप अपना गाड़ी का वगैरह पार्किंग करिएगा। इसका दिया आपको पोर्च एरिया मिल जाता है। देखिएगा, आप या तो इधर से एंट्री करिएगा या आप इस साइड से एंट्री करिएगा, तो यहाँ पर आप कार पार्किंग कर पाएंगे। इसके बाद फ्रंट में ये एक विंडो है, और थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए मैंने चारों तरफ से ये क्रिएट किया है, और साइड में एक विंडो है, इसके लिए डोर यहाँ से दिया है पोर्च से। ये आपका पूरा एक गेस्ट रूम या बेडरूम आपका क्रिएट होता है। इसके बाद अंदर जाने के लिए आपको इस गेस्ट बेडरूम से होकर जाना होगा, सॉरी, इस गेट से होकर जाना होगा, जहाँ पर आप आ जाते हैं यहाँ पर। इसके बाद आपको मिल जाती है स्टेयर्स, स्टेयर्स के नीचे एक लेट एंड बाथ आपको मिलता है, और ये आपका ओपन एरिया ही रहेगा, जहाँ से आप पूरा एक बेडरूम का भी ये काम करेगा। इस ओपन एरिया से आते हैं आप, तो इस वाले बेडरूम में जाने के लिए यहाँ से डोर दिया है। साथ साथ ये आपका किचन है इस कॉर्नर पर सबसे पीछे, और इस बेडरूम के लिए अटैच लेट एंड बाथ मैंने इस कॉर्नर पर दिया है। ये आप देख पा रहे होंगे किचन के जस्ट पीछे ये वाला कॉर्नर। तो यहाँ पर आपको दो बेडरूम मिलते हैं, एक ये ओपन बेडरूम मिलता है, ये आपका स्टेयर्स मिलता है, एक लेट एंड बाथ और मिल जाता है। तो एक लेट एंड बाथ आपका बेडरूम के लिए और एक कॉमन सभी के लिए यहाँ पर मिलता है, और स्टेयर्स मिलती हैं, और ये आपके दो बेडरूम और एक ओपन बेडरूम, और साथ साथ ही कार पार्किंग का एरिया भी आपको देखने को मिलता है, किचन एरिया आपका। तो ये तो ग्राउंड फ्लोर का मॉडल हो गया 25x35 फीट में। ये देखिएगा, ये यहाँ पर जो मैंने डिज़ाइन क्रिएट किया है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये डिज़ाइनिंग थोड़ा सा क्रिएट किया है। अब हम अगर इसके फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो यही सेम टू सेम फर्स्ट फ्लोर है, वही सारे बेडरूम और वही ओपन वाला बेडरूम, दोनों बेडरूम, लेट बाथ वगैरह। ये आपका एक बालकनी इस्तेमाल होगा, जो आपका कार पार्किंग था, पूरा ओपन एरिया आपका यहाँ पर यूज होने वाला है। यहाँ पर मैंने स्टील का रेलिंग, यहाँ पर देखिए ग्रिल लगा दिया है प्रॉपर तरीके से। तो ये रोज सेम जैसा कि ग्राउंड फ्लोर था, वैसा ही फर्स्ट फ्लोर सेम टू सेम आपका बन जाता है। बस कार पार्किंग वाले एरिया में आपको यहाँ पर आप बालकनी यूज कर पाएंगे। लास्ट फ्लोर पर चारों तरफ 3.5 फुट का बाउंड्री, और इस तरफ आपका ये ग्रिल, और ओवरऑल ये आपका क्लोज्ड हो जाता है जी स्टेयर्स को ढकने के लिए। तो पूरा 25x35 फीट में ये मॉडल जो आपने देखा, ये बनकर रेडी हो जाता है। तो अगर इसकी कॉस्ट की बात करें, तो इसके कॉस्ट अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप स्मॉल हाउस प्लान एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, वो वहाँ पर कॉस्ट विथ मटेरियल आपको बता देगा। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट जाकर प्ले स्टोर पर स्मॉल हाउस जैसे सर्च करेंगे तो आपको एप्लीकेशन मिलेगा, और उसे डाउनलोड करके ओवरऑल कॉस्ट फाइंड आउट कर लें। और दोस्तों, मैंने एक पेड सर्वे से स्टार्ट की है, अगर आप किसी भी टाइप के घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप हमें कॉन्टैक्ट करें, वहाँ से बात करके जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।